अब देखो बेटा क्वेश्चन, व्हाट नंबर इंक्रीज बाय 15% बिकम 230। तो एक लेट नंबर को मान लें x। अब इसका 15% बढ़ गया, तो 15% कैसे बढ़ाते हैं, 15% नंबर का बढ़ गया, तो 15% ऑफ नंबर, और कह रहा है कितना हो गया 230। एलसीएम ले लें, तो 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 230। तो तुम्हारा नंबर हो गया 230 इंटू 100 अपॉन 115। 115 टू से 230 होता है, तो 200 हो गया नंबर। नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन, देयर आर 75 एप्पल इन बास्केट, 12% आर रॉटन, रॉटन मतलब खराब, हाउ मैनी एप्पल्स आर गुड। सबसे पहले हम खराब निकाल लेते हैं, खराब कितने हैं, तो रॉटन एप्पल हो जाएंगे 12%, तो 25 3 75, 25 4 100, तो ये आ गया 9 एप्पल्स। तो 9 एप्पल्स खराब है, रॉटन है, तो गुड कितने हैं, गुड एप्पल 75 माइनस 9, सॉल्व करके से आ जाएगा 66 एप्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं, राहुल स्पेंड 85% ऑफ सैलरी, एंड सेव 3120, फाइंड सैलरी, उसकी सैलरी क्या है, तो लेट सैलरी बी एक्स, एक्स उसकी सैलरी है। अब उसमें से उसने 85% खर्च कर दिए, तो एक्स माइनस 85/100 इंटू एक्स, 85% ऑफ एक्स, इतने खर्च कर दिए तो कितने बचे, x माइनस 85% ऑफ x, ये कह रहा है ये रुपए हैं 3120। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100x माइनस 85x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3120। तो 75x अपॉन 100 इज इक्वल टू 3120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3120 इंटू 100 अपॉन 17। सॉल्व कर लेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिक्रीजिंग प्राइस ऑफ अ टी सेट बाय 8%, इट वैल्यू बिकम
317.40। फाइंड प्राइस ऑफ टी सेट। तो लेट प्राइस बी एक्स, तो एक्स है कह रहा है डिक्रीजिंग प्राइस बाय 8%। डिक्रीजिंग मतलब माइनस 8% ऑफ एक्स, मतलब एक्स जरूर लगाना होता है, एक्स उसका ओरिजिनल प्राइस है और 8% कम हो गया प्राइस का, तो 8% प्राइस का कम कर दिया, तो कह रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 317.40। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 100x माइनस 8x इज इक्वल टू 317.40। तो 92x अपॉन 100, 317.40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 317.40 इंटू 100 अपॉन 92, 317.40, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हट गया, डिवाइड बाई 92। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 345। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अलॉय है, उसमें 14% टिन है, 27% जिंक है और रेस्ट जो है वो आयरन है। इफ इफ क्वांटिटी ऑफ एलॉय इज 1.2 किलोग्राम, फाइंड क्वांटिटी ऑफ आयरन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आयरन कितने परसेंट है। तो 100 में से टोटल 100% होता है हमेशा, उसमें से 14 + 27 माइनस कर दिया, तो 100 माइनस 14 + 27 हो गया तुम्हारा 41। तो 59% जो है इसके अंदर आयरन है, तो हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ आयरन कितना है। तो हम 59% निकाल लेंगे, 59% ऑफ 1.2 किलोग्राम। ये पहले भी बताया था सॉल्व करना, 59 upon 100 कर लेंगे परसेंट हटा के और ऑफ हटा के इनटू, और 1.2 किलोग्राम को हम 1200 ग्राम लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 708 ग्राम। ये ध्यान रखें, ये किलोग्राम को ग्राम में किया है, बहुत सिंपल है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया है। इन एन इलेक्शन देयर आर टू कैंडिडेट्स, इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, विनर गेट 56% वोट, विनर को 56% वोट मिले हैं एंड वॉन बाय 8400 वोट्स, इतने वोट से जीत गया है। तो आपको बताने कितने वोट थे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। फिर वही, लेट नंबर ऑफ वोट्स एक्स है, तो 54% वाला जो है वो विन वाला है, तो 100 माइनस 54% वाला हो गया लूज, जो हारा है। 56% वाला था विन, तो 100 माइनस 56% वाला हो गया लूज, तो 44% वाला हो गया लूज। अब यूँ कह रहा है कि वो 8400 वोट से जीता है, तो पहले हमने निकाला विनिंग कैंडिडेट के पास कितने वोट्स आए,
56 अपॉन 100 इंटू एक्स, एक्स टोटल वोट्स है, और लूजर के पास कितने आए 44 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये विनिंग कैंडिडेट के वोट्स हैं और ये लूजिंग कैंडिडेट के वोट्स हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है इतने वोट से वो जीता जो दे रखा है 8400। सॉल्व कर लेंगे इसे, कितना आएगा सॉल्व करके बताओ, 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 8400। तो 12x इज इक्वल टू 8400 इंटू 100, तो x की वैल्यू आ गई 8400 इंटू 100 अपॉन 12। तो 12 कितनी बार चला जाएगा 84 में, 12 सेवन ज़ा 84, तो इतने वोट्स थे टोटल। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत।